बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे पेल्विस वॉल्स और हम ट्रू पेल्विस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो ट्रू पेल्विस होता है ना, उसकी जो एंटीरियर वॉल होती है वो हमारे पास बना रहता है ये प्यूबिक सिम्फिसिस, इसके अलावा बॉडी ऑफ द प्यूबिस और इसका सुपीरियर रैमस और इन्फीरियर रैमस। सही हो गया, प्यूबिक सिम्फिसिस, बॉडी ऑफ द प्यूबिस, सुपीरियर रैमस और इन्फीरियर रैमस, दोनों के नाम सुपीरियर रैमा हो गया और इन्फीरियर रैमा, ये सारा। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी पोस्टीरियर वॉल की, तो पोस्टीरियर वॉल में हमारे पास आता है सैक्रम और नीचे आता है कॉक्सिक्स, और मसल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास आता है पिरीफॉर्मस मसल्स, ठीक है। और जब हम बात करते हैं लेटरल वॉल की, तो लेटरल वॉल में हमें पता है कि यहाँ पे आ जाएगी ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन, हमारे पास लेटरल वॉल में आती है। और इसके अलावा जैसे हमें पता है कि इसके अंदर की तरफ एक मसल लगा हुआ होता है ऑब्चुरेटर इंटरनस, ठीक है, वो भी लेटरल वॉल इसकी बना रहा होता है। इसके अलावा दो लिगामेंट्स की हमने पहले भी पिछली वीडियो में बात की थी, इसमें दोबारा कर लेते हैं। दो लिगामेंट्स होते हैं सैक्रोट्यूबरस और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, वो होते हैं ना, वो भी हमारे पास इसकी लेटरल वॉल बना रहे होते हैं। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट जो होता है ना, वो सैक्रम से स्टार्ट होता है और इसकी ट्यूबरोसिटी तक होता है, ठीक है। अगर ये इसकी ट्यूबरोसिटी है तो यहाँ तक होता है, ठीक है। और जो सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट होता है वो हमारे पास सैक्रम से स्टार्ट होकर स्पाइन तक, इसके स्पाइन तक होता है, सही हो गया। उसके बाद यहाँ से भी सैक्रोस्पाइनस और सैक्रो ट्यूबरस, ठीक है, हो गया। ये हमारे पास दो लिगामेंट्स होते हैं जो इसकी लेटरल वॉल बना रहे होते हैं।